ऐसा मौका पहली बार मिला है. होपफुली पीपल लाइक इट, दैट्स ऑल यू वांट. रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है काफ़ी. तो माय सरप्राइज, मुझे लगा था कि न्यू कमर्स को पीपल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सेप्ट न्यू कमर्स, बट इन आर केस इट्स बीन द ऑपोजिट. पीपल आर एक्चुअली एक्सेप्टिंग अस एंड दे आर अप्रिशिएटिंग आवर वर्क, द ट्रेलर, द सॉन्ग, एवरीथिंग. लेट्स सी आज क्या पसंद कर रहे हैं. हमको अभी तक ये यकीन नहीं हो रहा है. हाँ, बहुत सही सर. एक ही फर्क है, जितने नए लोग आए हैं हम ही शायद बाहर की दुनिया से आए हैं, तो हमें ये मौका मिला, इस ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है. यार डिफिकल्ट तो है, बट यू नो वे इट्स मच ईजियर व्हेन यू हैव अ गुड डायरेक्टर. ही जस्ट लीड्स द वे, यू जस्ट फॉलो व्हाट इज टू बी, व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू. अपनी अच्छी कोशिश करते हैं एग्जीक्यूट करने का. फाइनली अगर लोगों को पसंद आएगा तो एवरीथिंग इज़ वर्थ इट. अदरवाइज वो मेहनत, बस ये है कि मेहनत दिखे ना, इट शुड बी एफर्टलेस. दैट्स ऑल आई डिज़ायर. बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं. 3 साल पहले जब मैंने शुरू किया था एक्टिंग, कभी सोचा नहीं था कि यू नो एक दिन फिल्म करने को मिलेगा. फॉरगेट अबाउट डूइंग अ फिल्म विद इम्तियाज अली एंड एकता कपूर एंड साजिद अली. तो काफ़ी लकी मानती हूँ मैं अपने आप को, और इनको भी काफ़ी लकी हो तुम, तुम्हें मेरे साथ काम करने का मौका मिला. इस बारे में यार, ये तो मैं कई बार मुझसे सवाल पूछा गया, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, तो अब सपने नहीं देखूंगा क्योंकि लाइफ उससे ज़्यादा दे देती है. सो आई एम होपफुल यार, इसके बाद फिल्म लोगों को अच्छी लगी कि इसके बाद और आगे काम करने का मौका मिलेगा. दैट्स ऑल यू डिज़ायर, फिंगर्स क्रॉस टू दैट. थैंक यू सो मच. जो मैंने सुना है उसके हिसाब से पाकिस्तान में भी रिलीज हो रही है. दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड. आई नीड टू कंफर्म विद द डिस्ट्रीब्यूशन टीम. थैंक यू. थैंक यू. गो. Hi, this is Tripti Dimri and you're watching Swami Films YouTube channel. Thank you. यार मैं मालूम नहीं, इसने पहली बार जब उल्टी की थी लाइफ में, पहली बार जब उल्टी की थी मेरी गोद में की थी हम लोग, उसमें गए थे, क्या बोलते हैं, रोलर कोस्टर में. ये दूसरी बार इसने उल्टी की, ये पिक्चर है. तो इसलिए मैं डिसाइड किया कि पहले बार भी मैंने होस्ट किया था, इस बार मैं ही होस्ट करूँगा. देखो भैया, मैंने अभी देखने जा रहा हूँ फिल्म. okay. और मेरे को दो इम्पोर्टेंट लोगों ने फोन किया, एक अनुराग और एक इम्तियाज और बाद में प्रीति. सो आई हैड टू कम, देयर इज नो एस्केप. ये बच नहीं सकते, इनको हम छोड़ नहीं सकते, बच नहीं सकते. इन सब लोगों ने मिलकर बनाई है, तो कुछ आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग इट. सर ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं नहीं तो यू नो ट्रेलर में डर लगता है, आप ही समझ लीजिए. ट्रेलर बहुत डर लगता है, मतलब आप माइक लगाते तो सामने कैसी लगी पिक्चर शो के बाद, देखने के पहले बहुत डर लगता है. देखने के पहले मीडिया के बारे में इनके क्या ख्याल आता. अरे नहीं, हम लोग ट्रेलर सबको अच्छा लगा, हम लोग फिल्म देखना है. मतलब पहली फिल्म बनाते समय एक डायरेक्टर जाता है, उसके अंदर इतना करेज है, नए लोगों को लेकर फिल्म बनाता है, सेफ नहीं खेलता है, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है. वो फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहा है, मेरे लिए वही काफ़ी है.
एक्चुअली जैसा कि उसने कहा कि पहली बार उल्टी की थी साजिद ने तो उसकी गोद में की थी, तो मैं चाहता था कि ऐसे ही हो, या अगर अभी सुसु की है उसने या पॉटी की है भी वो भी उसी की गोद में हो। तो दैट वॉज द प्रोसेस। मैं वैसे भी इस फिल्म में इन्वॉल्व हूँ। एक बार तो ऐसा हुआ था कि मेरी फिल्म भी उसी ने होस्ट की थी, तो मुझे लगा कि एज अ होस्ट वो बहुत अच्छा है। आपको पता है उसको एज एन एक्टर बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। हमारे ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जो होस्टिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो विच इज़ वाई। कल को कोई पिक्चर बनाने लगे ये इम्तियाज अली प्रोड्यूस करेगा मेरी पिक्चर। ओके साई सर, मेरे को तुले हुए एक्टर बनाने दो। चलो साई सर, मेरा सवाल आपसे है, कितना बड़ा क्राउड मूवमेंट बनते हैं आप जब इंडस्ट्री के इतने बड़े बड़े दिग्गज आपके साथ? सर मैं यहाँ पर खड़े होने की हैसियत नहीं है मेरी इनके बीच में, मैं और इससे आगे कुछ बोल नहीं सकता हूँ। कुछ टिप्स मिली आपको इसे? अभी मिलनी मिलेगी सर, आई होप। अभी टिप क्या मिलेगी? इम्तियाज ने जितना वेट लूज किया इसने गेन किया। विक्रम सर आप क्या कहना चाहेंगे पिक्चर के बारे में? ट्रेलर देखा बहुत अच्छी है, पिक्चर तो अभी देखेंगे हम लोग, लेकिन मतलब ये तो फैमिली है अपनी यार, मतलब एज डायरेक्टर्स एंड एज साजिद तो अपना बच्चा है, जानते हैं उसको 20 साल से आसपास। जमशेदपुर उड़ान मैंने शूट की थी, इनके घर पे रह के शूट की थी मैंने, तो दिस इज़ माय फैमिली, तो मैं तो बहुत खुश हूँ इसके ऊपर पहले पिक्चर बना दी, तो आई एम वेरी हैप्पी। हाँ बिल्कुल ना, इसलिए तो हम लोग मतलब सब हंस रहे हैं। अरे अभी ये फिल्म देखते हैं यार, ये फिल्म अभी वो तो हो गया, वो पास हो गया, खत्म हो गया। लेट्स वॉच दिस फिल्म एंड One second, पीछे पीछे थोड़ा पीछे धनिश पीछे आ जाना है तो एक्सक्यूज मी सर सर यहाँ सर इस कैमरा Thank you.
राइट आपके राइट राइट में बोलते भैया मैम या मैम जस्ट टर्न योर राइट मैम मैम लोग क्या राइट बोलते चलो चलो सर बेटा सर वेट वेट मैम सर को राइट बोल मैम या मैम मैम या मैम वंस मोर लुक या लुक या मैम या लेफ्ट एक्सक्यूज मी सर राइट राइट सर लुक किया थैंक यू मराठी एक्ट्रेस किधर गया